नमस्कार स्टूडेंट्स। तो मैं आज वापस आ गया हूँ आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए। और मैंने अपने बारे में लास्ट टाइम पे आपको बता दिया था, तो आज बस मेरा ऐसे ही मन किया कि आपसे थोड़ा बहुत बात किया जाए। दिन भी अच्छा है और फ्री टाइम भी था मेरे पास, आज क्लास वगैरह भी छुट्टी है, तो सोचा मैंने कि चलो आपसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। मैं भी शिवरात्रि बहुत अच्छे से मना रहा हूँ, आप लोग भी शायद मना रहे होंगे, और 14 फरवरी भी है तो शायद आप लोग भी मना रहे होंगे, और मेरे घर पे ही है, मेरी शादी हो चुकी है तो 14 फरवरी मैं घर पे ही मना रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत आपसे बात कर लिया जाए, बस मेरा मन था कि चलो स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था। तो आज का बात करने का सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य क्या है कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं और उन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, बस इस पर कुछ चर्चा करना है। तो मैं एकदम फ्रेंडली तरीके से चर्चा करने वाला हूँ, कोई प्रेशर देने वाला नहीं हूँ आपको कि ऐसा करो वैसा करो जो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे आज बात क्या करने वाला हूँ कि क्या आपको करना चाहिए ये मैं नहीं बताऊँगा, क्या आपको नहीं करना चाहिए ये मैं बताने वाला है ना। अब नहीं करना चाहिए का मतलब क्या है ना, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो हम किसी एग्ज़ाम के लिए करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही करके जाते हैं वो आता नहीं है। तो मैं आज कुछ उस पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे सपोज करें अभी हमारा प्रायोरिटी क्या है हमारे इस जगह के लिए या बाकी जगह के लिए भी, कि अभी रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी लोग फॉर्म भर रहे होंगे, और बाकी कुछ असिस्टेंट एएसएम का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो रहा बात कि इसमें क्या करके जाइए, ये तो सभी जानते हैं, क्या नहीं करके जाइए। सबसे पहला चीज़ कि बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ के मत जाएं, है ना। जैसे हमारा मैथ्स हो गया, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स से अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल पढ़ के जाएं, बेशक पढ़ के जाएं। लेकिन मालूम है यदि मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, क्या टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ के जाना चाहिए जो लोग सी जी एल टायर वन में पढ़ के जाते हैं या एल डी सी में पढ़ के जाते हैं? बिल्कुल नहीं, उतना पढ़ के बिल्कुल मत जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने वीडियोस में कि रेलवे ग्रुप डी का कुछ स्पेशल दिया जाए, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि रेलवे ग्रुप डी का कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, यानी ऐसा एक टॉपिक दिया जाएगा जितना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि बहुत सारे प्रश्न पढ़ के मत जाओ, क्योंकि आप देखो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सी जी एल टायर टू नहीं देने जा रहे हैं, सी जी एल टायर वन नहीं देने जा रहे हैं, तो एकदम पूरा पढ़ के नहीं जाइए। उसमें नॉर्मल टाइप जो होता है वो पढ़ के जाएं, जो मॉडरेट है वो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं, जो एकदम डिफिकल्ट है ना उसको थोड़ा उसको बाईपास करें, थोड़ा से स्किप कर दिया जाए उसे, मेरा तो बस यही मानना है। और किसी का भी स्ट्रेटेजी बना के जाएं, स्ट्रेटेजी मतलब ये हुआ कि ग्रुप डी में कैसे करके जाएं कि हमारा एग्जाम निकल जाए। सभी बच्चे ये मत सोचिए कि सर हम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, तो एक्सपीरियंस तो लेने बिल्कुल मत जाए, ऐसा सोच के जाइए, ऐसा पॉजिटिव बन के जाइए कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसी बार निकाल के आना है। तो मैंने बस एक छोटा सा टिप्स दिया ना कि एकदम डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज को मत करके जाओ जो कि सी जी एल टायर वन या समथिंग में आता है, क्योंकि उतना टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय अभी एकदम कम है, 2 महीने 2.5 महीने लगभग बचे हुए हैं, ठीक है, वो भी पूरा नहीं है अभी, तो एकदम आप इसी को फोकस करके जाएं। तो एक छोटा सा सलाह आपके लिए बस ये रहेगा। अब रह गया बाकी सेक्शंस की तरफ क्या है, तो बाकी सेक्शंस की तरफ आप एक काम करो, कोई भी एक रेलवे ग्रुप डी का एक मॉडल सेट खरीद लें, उस मॉडल सेट को डे बाय डे प्रैक्टिस करें, ठीक है, रोज एक सेट दो सेट तीन सेट ऐसे करके प्रैक्टिस करिए, प्रिपेयर करिए, और उसमें देखिए आपको क्या दिक्कत हो रहा नहीं दिक्कत हो रहा। रहा बात यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हमारा वेबसाइट या हमारा यूट्यूब है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए वो क्वेश्चन, मैं इमीडिएट उसका रिप्लाई करने वाला हूँ, राइट। और रहा बात जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बोला, बहुत सारे प्रश्न तो अब मैं डे बाय डे लाने वाला हूँ, करीबन 1 महीने तक रेलवे स्पेशल डेफिनेटली हमारा वीडियोज बनने वाला है, तो आप एकदम टेंशन मत ले, मैं हूँ इसके लिए, राइट। तो ये छोटा सा मैंने सोचा कि चलो आपको बता दिया जाए, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अब रही बात, थोड़ा बहुत मैं और बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज, बहुत सारे बच्चे ना मैथ से भाग रहे हैं,
इधर जाओ उधर जाओ, कभी उस टीचर के पास जाता है कभी उस टीचर के पास जाता है। सबसे पहले क्या करें, अपनी थोड़ी सी सोच बदलिए। सोच बदलने का मतलब क्या है, पहले तो मैथ से भागिए नहीं, टीचर बेशक बदल दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, पहले तो अपना सोच बदलिए आप। टीचर कितने बदलोगे, कभी आप मेरे पास आएंगे, कभी और किसी के पास जाएंगे, कभी और किसी के पास जाएंगे, क्या सभी टीचर में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत नज़र आ रहा है? ऐसा हो सकता है, आपका मानना यही होगा, लेकिन क्या है ना कहीं शायद आप में भी प्रॉब्लम है। क्यों, आपने एक कहावत सुना है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यानी हम लोग को ऐसा है, देखिए मेरा दिमाग थोड़ा स्टूडेंट के जरिए एकदम चलता है, अगर मैं थोड़ी मेहनत करूंगा, हमारे टीचर थोड़े मेहनत करेंगे, तो दोनों मिलकर कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होकर शायद एग्जाम हमारा निकल जाएगा, राइट। तो आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे। जैसा कि मैंने यूट्यूब में कुछ शुरू किया है, अब आपको क्या करना है, उसे डे बाय डे पढ़ते जाना है। कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में देके पूछना है, और मेरा काम क्या रहेगा, आपके डाउट्स को दूर किया जाए, अच्छे अच्छे वीडियोस लाया जाए, है कि नहीं। तो दोनों मिलकर अभ्यास करेंगे ना। अब सोचो मैं ही वीडियो डालता जाओ आप कुछ नहीं करो, या आप ही करते जाओ मेहनत मैं वीडियो डालना बंद कर दूं, तो होगा ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो घबराइए नहीं, एकदम एकदम डरिए नहीं मैथ से। अरे मैथ है क्या, सोचिए ऐसा कि जब आप जन्म लेते हैं चलना जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना। कितना मुश्किल होता है चलना बच्चे के लिए, बार बार वो गिरता है, बार बार वो गिरता है, लेकिन कभी ना कभी तो चलना सीखता है ना। मैथ भी शायद वही है, ठीक है। सपोज करिए मेरा बैकग्राउंड एकदम कमजोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, मैं एक सरकारी मीडियम का शायद बच्चा हूँ, मुझे अच्छा से शिक्षा नहीं मिल पाया है, ट्यूशन नहीं ले पाया हूँ, और सपोज करो नहीं, बार बार मुझे लग रहा कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप क्या करो ना, सोचो कि नहीं हो पाएगा, और एक बार उसमें जुट जाओ ऐसा सोच के कि इस बार तो करना है, इस बार बाजी मारना है, और फिर देखिए क्या होता है कि आप में थोड़ा सा बदलाव आएगा और धीरे धीरे शायद आपका मैथ अच्छा हो जाए। मैं सभी बच्चों को ये एक सलाह देता हूँ कि किसी का मैथ जो है ना अच्छा क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मेरा मैथ के प्रति रुझान अच्छा है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। मालूम है एक बात क्या है कि मैथ हमारा कमजोर क्यों होता है? सपोज करो किसी टीचर का मैथ अच्छा क्यों है, या बाकी स्टूडेंट का मैथ अच्छा क्यों है। सपोज करिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथ थोड़ा बहुत अच्छा क्यों है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं मैथ से ना प्यार करने वाला हूँ, ठीक है। प्यार और अट्रैक्शन दोनों में भारी अंतर है। सबसे पहले आप किसी के चेहरे को देख के पसंद कर लेते हैं, क्या वो प्यार है क्या? बिल्कुल नहीं है। शायद उससे अच्छा चेहरा आपको आगे दिख जाए तो आप उसे पसंद कर लेंगे, फिर आगे दिख जाए तो आप उसे पसंद कर लेंगे। उसी तरह से ये मैथ है, शायद आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगा, मैथ पसंद आ गया, अगला क्वेश्चन अच्छा लगा, फिर पसंद आ गया, अगला नहीं पसंद आया, मैथ खराब हो गया, राइट। तो मैथ जो है ना अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मैथ से प्यार करना सीखिए। जैसे लाइफ में किसी से प्यार होता है ना तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है, इसी तरह से अट्रैक्शन और लव में ना थोड़ा अंतर है। तो किसी किसी का मैथ जो है ना खराब इसलिए होता है, बस आप उससे अट्रैक्ट होते हो कि चलो ना यार कर लिया जाए, एक बार प्यार करके देखिए क्या मजा है, ठीक है। दोनों चीज में मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई में भी और लाइफ में भी, क्योंकि हम भी अभी इसी चीज को जी रहे हैं, है ना। तो दोनों चीज में बैलेंस बड़ा अच्छा रहेगा, और ये प्यार का महत्व लाइफ में बहुत जरूरी है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत मेरा आपके लिए सलाह था, पसंद आए तो जरूर अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। अब मैं थोड़ा और आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैथ के प्रति तो मैंने बोल दिया, अब ये इंग्लिश जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक, मतलब क्या बोला जाए, टेंशन नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ा मेरा पैशन बन गया है कि ये इंग्लिश कैसे सुधारा जाए स्टूडेंट का, सारा इंग्लिश, क्योंकि मैं घाटशिला से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा एम क्या है, ये घाटशिला का जो पहचान है ना पूरे भारतवर्ष में बनाना, लोग जाने कि घाटशिला में, मेरे चलते नहीं जाने, मेरे स्टूडेंट कितने काबिल हैं इसके चलते जाने, हमारा घाटशिला का पढ़ाई कितना अच्छा है इसके चलते जाने, हमारे घाटशिला के लोग कितने अच्छे हैं इसके चलते जाने। बस मेरा भविष्य का सपना यही है कि घाटशिला को भारतवर्ष में एक अच्छी सी पहचान मिले, और मैं इसके प्रयास में पूरा जुटा हुआ हूँ, जितना मेरे से संभव है,
मैं एक अच्छे अच्छे स्टूडेंट बनाने की तैयारी में हूँ और जितना मुझसे आता है वो सारे चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो रहा बात, मैं इंग्लिश को फोकस कर रहा था, मुझे बड़ा दिक्कत होता है जब ये सरकारी मीडियम वाले आके बोलते हैं सर मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तब मुझे बड़ा ख़राब भी लगता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए इस बच्चे का इंग्लिश अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले वो बच्चे थोड़ा मेरा बात एक मानिए, ठीक है, आपका इंग्लिश ज़रूर अच्छा होगा। बात बस यही मानना है कि हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारा इंग्लिश क्यों अच्छा नहीं होता है जानते हैं? हम लोग के एक मन में डर पड़ा हुआ है कि सर मेरे को तो हिंदी आता नहीं है, उसका वोकैबुलरी मेरा सेक्शन बहुत वीक है, बस यहीं पे सबसे ख़राब पोर्शन है, यही सोचना सबसे ख़राब है। क्या आपको मैं बोलता हूँ, सपोज एक मैंने कोई सेंटेंस दिया उसका मैंने हिंदी बोल भी दिया, तो क्या इतना सफिशियंट होगा इंग्लिश को क्रैक करने के लिए? एकदम नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि इंग्लिश जो है ना उसे इंग्लिश ही रहने दिया जाए। यदि कोई भी बच्चा, यदि कोई भी कैंडिडेट इंग्लिश को हिंदी करके एग्ज़ाम निकालने का प्रयास करता है तो मेरी समझ इतनी है शायद वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। तो रहा बात फिर क्या करना चाहिए, तो इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने दिया जाए, उसे हिंदी करने का प्रयास नहीं करें। ऐसा मैं नहीं बोलता कि वोकैबुलरी मत याद करो, करिए, लेकिन उसे इंग्लिश करने का प्रयास, हिंदी करने का प्रयास नहीं करें, इंग्लिश ही रहने दें। शायद आपने मेरा एक या दो वीडियो देखा होगा, मेरा बस प्रयास इतना ही था कि कमज़ोर बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में और इंग्लिश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इंग्लिश मीडियम के बारे में उस वीडियो में एकदम सोचा ही नहीं, जिसे इंग्लिश आता उनके लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो अच्छे लोग हैं, वो तो कर ही लेंगे। लेकिन एक जो बेसिक जिनका कमज़ोर है, जो इंग्लिश में डर बना हुआ है, मैंने कोशिश किया उस वीडियो के जरिए वो डर ख़त्म हो जाए। और शायद जब डर ख़त्म होने लगता है ना लाइफ में, तो पहले तो मज़ा आने लगता है, और जैसे ही मज़ा आना शुरू होगा ना, तो शायद हमारा सपना भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। मेरी तो सोच बस यही है। तो आज मैं बस आपका सोच, अपनी जो सोच है आपसे शेयर कर रहा हूँ। रहा बात, ऐसा नहीं कि आप पे थोप रहा हूँ कि नहीं ऐसा ही करो, ये तो आपकी सोच है। सभी स्टूडेंट इतने मैच्योर्ड होते हैं कि लोग समझ पाए कि कोई अच्छा बता रहा है या कोई खराब बता रहा, अच्छा मानने से होगा या नहीं मानने से होगा, ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो बस मेरी सोच इतनी है, तो इंग्लिश से भागे नहीं। आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छा सा इंग्लिश प्लेटफॉर्म आपको देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को ही देखिए, मेरा जानते हैं ऐसा मानना क्या है, बहुत सारे यूट्यूब में अच्छे अच्छे इंग्लिश टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, चैनल का नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। आप क्या करो कि स्टूडेंट का काम क्या होता, सपोज हम एक स्टूडेंट हैं, क्या काम होना चाहिए मालूम है, जहाँ अच्छा ज्ञान बढ़ रहा वहाँ उठा लिया जाए, ठीक है ना। जहाँ पे भी अच्छा चीज़ मिल रहा वहाँ से आप लीजिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। सपोज करिए 4 वीडियोस आपको मिला, वहाँ से कुछ अच्छा इंग्लिश मिला, कहीं पर मैथ अच्छा मिला, कहीं पे जीएस अच्छा मिला, सबको ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका तो काम हो गया ना। मुझे यही करना है, किसी को क्रिटिसाइज मत करो लाइफ में कि अरे वो खराब वीडियो बना रहा, वो अच्छा वीडियो बना रहा, क्रिटिसाइज मत करें, ठीक है। किसी को अच्छा नहीं बोलना चाहिए, किसी को खराब नहीं बोलना चाहिए, खराब तो बिल्कुल मत बोलें, क्योंकि किसी न किसी तरफ से तो वो मेहनत कर रहा ना, जितना उसे जानकारी वो तो कर रहा ना। आप बस उसके अच्छे चीज़ों को ले लें और खराब चीज़ों को आप छोड़ दें, राइट। तो मेरा यही मानना है, किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए कि मैं अच्छा हूँ वो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो ये मैंने सोचा कि चलो इंग्लिश का डर लोगों को हटाया जाए, और मैं आपसे सही में वादा करता हूँ, आप मुझसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने जुड़े रहिए, कम से कम 3 महीने मुझ पर भरोसा करके देखें, और अगर ये भरोसा मैं तोड़ता हूँ तो यूट्यूब में वीडियोस बनाना भी बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रयास है ना एक स्टूडेंट के नज़रिए से है, टीचर के नज़रिए से नहीं है। और जब मैं एक टीचर की तरफ से सोचना शुरू कर दूंगा ना, तो शायद इंग्लिश भी वैसा ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा जैसा बाकी लोग आपको देते हैं, राइट। बस मेरा सोचना यही है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, मेरे साथ बने रहिए, 2-3 महीने समय तो देके देखिए, आपका इंग्लिश में एक विश्वास पैदा हो जाएगा, और आपका सोच शायद मैं 3 महीने में बदल देने वाला हूँ कि आप भी इंग्लिश कर सकते हैं, भले आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो और कहीं से भी पढ़ के आए हों।
तो डेफिनेटली ये मैं एकदम बदलने वाला हूँ, एकदम भरोसा करें आप। अब रही बात, काफ़ी सारा चीज़ मैंने आपको बोल दिया, तो आज मेरे पास फ्री टाइम है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। तो सोचा मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि हम जो भी यहाँ पे बोलते हैं आप विश्वास करो नहीं करो, एकदम दिल से बोला जाता है। जो स्टूडेंट शायद मेरे पास क्लास करते हैं शायद उन्हें पता होगा कि जो भी बोलते हैं ना दिमाग से नहीं बोलते हैं, पढ़ाने समय जो है ना बस मेरा दिमाग चलता है, लेकिन जब किसी से बात करते हैं ना तो मेरा दिल चलता है। क्योंकि किसी को समझना दिमाग से संभव नहीं है, दिल से संभव है ना। अब 14 फरवरी आज है तो थोड़ा मैं दिल की ही बात करने वाला हूँ, तो किसी को भी समझिए दिल से, है ना। मैथ बनाइए दिमाग से, क्योंकि मैथ दिमाग से बनता है। और मालूम है एक चीज़ और क्या है, ये जो हौसला शब्द है, हौसला, हिम्मत, हिम्मत होने के लिए पहले दिल मजबूत होना चाहिए। अगर आपका दिल मजबूत है ना, हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा ना तो इतना बढ़ जाएगा कि लाइफ में कोई भी परेशानी हो उसका सामना आप एकदम आसानी से कर पाएंगे, कोई भी परेशानी। ये मैथ क्या चीज़ है, ये इंग्लिश क्या चीज़ है, ये तो छोटी सी बात है, कोई भी परेशानी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये सब बहुत अच्छे चीज़ मैंने आपको आज बताया, इसको लाइफ में कोशिश करिए इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक बार ऐसा करिए ना, भरोसा करके कर ही दीजिए, ठीक है। सपोज करिए कि ये व्यक्ति करने बोल रहा, देखते हैं होता है कि नहीं, आप करके तो देखो जो मैंने बोला, ठीक है। किसी चीज़ से भागिए मत, बस आप मत भागिए, ठीक है, और मैं आपका साथ पकड़े रहूँगा और देखते हैं कि ये मैथ और इंग्लिश मेरा क्या कर लेता है। क्योंकि आज का मेरा सोच ऐसा है कि ये मैथ और इंग्लिश के चलते बच्चे एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो रह गया बस, मेरी सोच इतनी है कि इसको इतना अच्छा कर दिया जाए कि बच्चे इसे भागे नहीं, पूरा डर ही ख़त्म हो जाए। तो मेरी बस इतनी ही सोच है। अब रही बात कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला, शायद किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर आपके बारे में बताइए कि आपने कैसे कहाँ से पढ़ाई की, कैसे आपका शुरुआत हुआ, फिर आपने ये सब किया, वो सब किया, ऐसा कुछ। तो उनको मैं ज़रूर जवाब देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे ही हो चुका है। अगले वीडियो में ज़रूर मैं अपने बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेरी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये प्रोफेशन में कैसे आया, मुझे सरकारी नौकरी करनी है या नहीं करनी है, मैंने कितनी बार एग्ज़ाम दिया। और विश्वास करो मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छिपाने वाला, ठीक है। चलिए एक बात आ ही गई, तो मैं एक चीज़ और अपने दिल की बात आपसे बताना चाहता हूँ। रह गया कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब में देखा है इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, कोई टीचर कितना भी बड़ा ब्रांड हो, बहुत बड़ा ब्रांड हो, अगर मुझे उनसे समझ में आता है तो मेरे लिए वो एक अच्छा टीचर होगा। अगर नहीं समझ में आया, सपोज वो मेरे को कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो शायद मेरे लिए वो खराब टीचर होगा। मेरी सोच इतनी है, अगर किसी को ये शब्द बुरा लगे तो बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन मालूम है ना मेरा जो लॉजिक, मेरा जो दिमाग है ना, कभी टीचर के जगह में होता ही नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सर बोलते हैं, मेरी सोच जो है ना कि स्टूडेंट जैसी है। अब सपोज करो एक कोई भी टीचर, एकदम उसका नाम नहीं है, कहीं भी आपने नाम नहीं सुना है, उससे आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा है, शायद आपने एग्ज़ाम निकाल भी लिया, तो अच्छा टीचर हुआ ना। तो मैं आपको बस इतना ही बोलता हूँ कि एक ब्रांड जो है ना हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बहुत बड़ा नाम है आप उनके पास चले जाओ एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो सोच इतनी है, जो मेरे को अच्छे से समझा दे वही अच्छा है, जहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो खराब है, शायद मेरे में भी खराबी होगा, लेकिन यदि नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कैसे उनको अच्छा बोल सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, ऐसा नहीं मैं सबके लिए अच्छा हो पाऊंगा, मेरा प्रयास तो रहेगा कि एक एक को लिया जाए। जैसे मेरा अभी लगभग 270 272 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा आपका प्यार देख के, शायद 25-20 दिनों में आपने इतना मेरे को प्यार दिया, और शायद बहुत ही जल्दी मैं ये जो YouTube की पॉलिसी है 1000 और समथिंग, ये मैं अचीव कर लूँगा, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये आप ही लोगों के द्वारा संभव हुआ है। मेरी वीडियो अच्छी है नहीं है वो तो बाद की बात है, रही बात जो आपने दिल से मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है ना, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और ये जो है ना, जो आपने भरोसा दिखाया, ये कभी टूटने देने वाला नहीं है।
ठीक है, आपके लिए बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी ये मेहनत मेरी जारी रहेगी। तो यही सब बदबास आपसे बात वगैरह आपसे करनी थी। तो रह गया बात कि चलते चलते एक चीज़ मैं ज्ञान देके जाता हूँ, ज्ञान तो नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि इतना बड़ा मैं होने की ज्ञान आपको दूँ, मेरी बस एक छोटी छोटी नहीं बोलूँगा अच्छी सी सोच है कि लोग बोलते हैं लाइफ में पैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी समझता हूँ पैसा होना चाहिए, हम लोग सब चीज़ कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, पैसे होने के बावजूद शायद ठीक नहीं हो पाते हैं, तो फिर उस पैसे का फ़ायदा क्या हुआ? नहीं हुआ ना। है ज़रूरी पैसा, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपका घमंड इतना ऊंचा हो जाए कि वो पैसा आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। मेरी सोच मालूम है क्या है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारे लिए ज़रूरी है लोगों का साथ, लोगों का प्यार और लोगों का दुआ। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया 3 महीने 4 महीने 5 महीने, और वही व्यक्ति के फैमिली वाले किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, किसी चर्च में जाते हैं, तो शायद ऐसा चमत्कार होता है कि वो ठीक हो जाता है। या वो व्यक्ति से कोई इतना प्यार करता, लोग उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। क्या वो पैसा ठीक करता है? बिल्कुल नहीं, लोगों का प्यार ठीक करता है, ठीक है, भगवान की जो कृपा होती वो ठीक करता है। तो इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए, अपना काम सही से करें, लोगों से प्यार करें, हौसला रखें और लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएं। बाकी ये ऊपर वाला है ना, हमें देखने के लिए, ऊपर वाला के लिए सब बराबर है, यहाँ तो सब इधर उधर है ना, लेकिन वहाँ के लिए सब बराबर है। तो कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में भी उन्होंने सोचा होगा, है ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरे बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ अवसर है। इसलिए एकदम पैसे के पीछे मत भागिए, और पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता, पैसे कमाने के लिए कभी गलत रास्ते पे मत जाइए, बस ये मेरी थोड़ी सी सोच है, जरूर मानिएगा। तो इसलिए केवल लाइफ में पैसे के पीछे भागना उचित नहीं है, ठीक है, बस लाइफ में प्यार बरकरार रखिए और हौसला कभी मत छोड़िए, क्योंकि पैसे से हौसले नहीं खरीदे जा सकते, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन हौसला अगर हो तो बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, मेरी बस इतनी सी सोच है। तो चलिए, मैंने बहुत सारा चीज़ आज बोल दिया, शायद मैंने काफ़ी टाइम लिया हुआ इसके लिए, थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लें, ठीक है, बस यही सब मुझे आपको बोलना था। और अगर आपके मन में और कुछ हो मेरे बारे में, जैसा कि मैंने बोला, आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताने वाला हूँ, एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ सारा चीज़ एकदम सच से। अगर आपके मन में और भी कुछ हो तो ज़रूर बोलिए कि सर ये करो, बाकी तो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ आने वाला है, आज मैंने पढ़ाई में थोड़ा बहुत बात किया आप लोगों से, तो बहुत सारा चीज़ लाने वाला हूँ। और जैसा कि लास्ट टाइम पे सबको बोलना पड़ता है, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो पसंद आए, ये नहीं मेरा चैनल पसंद आया हो या मेरा बहुत सारा वीडियोज़ पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जल्दी से कर ले अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, वो जो बेल वाला होता है सिंबल उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मेरा वीडियो आए, और लोगों को ज़रूर फैलाएं ताकि थोड़ी सी मेरी मदद उन तक तो पहुंच जाए, ठीक है, बस मेरी सोच इतनी है, थोड़ा इसको फैलाएं आप लोग, मेरे लिए नहीं, शायद वो कैंडिडेट जो शायद मेरे से कुछ सीख जाए, शायद 1% 2% कुछ तो हेल्प हो जाए, तो ज़रूर इस वीडियोज़ को दूर दूर तक फैलाइए और मेरा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ देंगे और मिलके प्यार से रहेंगे, एक दोस्त की तरह, एक भाई बहन की तरह, एक परिवार की तरह। मेरे लिए आप लोग सब परिवार हो, ये मेरे लिए कोई स्टूडेंट नहीं है, सब मेरा एक परिवार है, और बस मेरी सोच इतनी है अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो को अंत करने का समय आ गया है, ठीक है, इसे देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, यदि कोई भी शब्द मेरे से गलती निकल गया तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं कभी लगता है कि किसी को मेरी वजह से कुछ दुख हो, तो ज़रूर ऐसा कुछ मैंने बोला होगा तो आप थोड़ा छोटा समझ के माफ़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि आज रात में एक वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये अभी लगभग मैं 4 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर रात में आज एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो ज़रूर कल सुबह सुबह आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है।
तो चलिए मिलते हैं, एकदम मुस्कुराते रहिए, दिल से सबको प्यार करते रहिए और मुझे भी जरूर प्यार करते रहिए क्योंकि बहुत आपकी ज़रूरत है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ समय के बाद।